चार दिन से भूखी प्यासी तड़प रही घायल गाय की डॉक्टर मनोज वर्मा ने लीशुद्ध कराया उसका इलाज। आज के समय में जब इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ है तो लाचार बेजुबानों की सुध भला कौन लेगा। लेकिन कलयुग इंसानों के बीच आज भी कुछ ऐसे भले मानुष हैं जिनकी वजह से इंसानी जिंदा है। ऐसे ही एक नेक दिल इंसान का नाम है डॉक्टर मनोज वर्मा, जो जरूरतमंदों की जाति धर्म या उनका नाम नहीं देखते बल्कि खुले मन से उनकी मदद करके नेक दुआएँ हासिल करते हैं। लेकिन मदद और सेवा का यह जज्बा डॉक्टर मनोज वर्मा में केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि बेजवानों के लिए भी है, जिसका उदाहरण आज फिर जब देखने को मिला जब ग्राम हरौली में चार दिन से भूख प्यासे तड़प रही एक घायल की गाय की खबर पढ़कर डॉक्टर मनोज वर्मा ने तुरंत एक पशु चिकित्सक मौके पर भेजा, जिसने गाय का इलाज करते हुए उसके खाने पीने का भी इंतजाम किया। डॉक्टर मनोज वर्मा सिहोरा निवासी ने तुरंत सूचना पाकर निस्वार्थ रूप से घायल गौवंश का इलाज कराकर साबित कर दिया कि इंसानियत और पशु प्रेम आज भी जिंदा है। 24 न्यूज इंडिया वेब पोर्टल चैनल के लिए सिहोरा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। निवासी ग्राम हरौली, आज मुझे जानकारी हुई कि एक गौ माता चार दिन से घायल रूप में पड़ी हुई है। जाकर के देखा तो काफ़ी घायल थी, लेकिन इसकी जो ग्रुपों में लिखकर मैंने डाला, तुरंत जैसे ही सिहोरा की एक हस्ती हैं डॉक्टर मनोज वर्मा जी, जो समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उन्होंने जैसे ही इस खबर को देखा तुरंत उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर को उपचार के लिए भेज दिया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि वे इसी तरीके से गौ माता का उपचार कराते रहें और पुण्य कमाते रहें।